वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि शॉपिफाई एप्लीकेशंस पर अपना अकाउंट कैसे बनाएं। दोस्तों अगर आप भी शॉपिफाई एप्लीकेशंस पर अपना अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप की स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच सके। आपको शॉपिफाई एप्लीकेशंस पे अकाउंट बनाना है तो इस एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से। उसके बाद में आपको ओपन कर लेनी है। जैसे ही ऐप ओपन होगी आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशंस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, लॉग इन और गेट स्टार्ट का। तो आपको नया अकाउंट बनाना है, गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, नीचे की तरफ वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। फिर से आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अपनी जो भी कंट्री है उस कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है, कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अपने अकाउंट को लॉगिन करने के लिए आप पे तीन चार ऑप्शन आ जाएंगे, नंबर से कर सकते हैं, ईमेल अकाउंट से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं और गूगल अकाउंट से कर सकते हैं। मैं गूगल अकाउंट से करना चाहता हूँ, लास्ट वाले ऑप्शन पर मैंने क्लिक किया, साइन इन विद गूगल, इस पर मैंने क्लिक किया। आपका जो भी अकाउंट रहेगा वो अकाउंट आ जाएगा। जिस किसी अकाउंट से बनाना चाहते हो उस अकाउंट को क्लिक कर देना है। अकाउंट क्लिक करेंगे उसके बाद में ऐसा एंटर पर जा जाएगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे उसके बाद में सिंपली यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का एंटर पे जा जाएगा। वापस यहाँ पे एप्लीकेशंस में आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का एंटर पे जा चुका है। तो जैसे ही आप गूगल अकाउंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे उसके बाद में आपके सामने ऐसा एंटर पे जा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मैं अपनी प्रोफाइल में आके यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो कुछ इस प्रकार से आप भी इस एप्लीकेशन पर अपने अकाउंट को कुछ इस प्रकार से बना सकते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर देना ताकि मैं अगला कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके।